इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूँ आपसे रिक्वेस्ट है कि यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और सच बताऊँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिटी का आपको ग्राउंड अपडेट दिखा सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट इस देश में जो चल रहा है उनको दिखा सकूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंस लगता है और किसी और सिटी में जाकर अपडेट दो वो तो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए यार सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ एक थैंक्स बटन है उसको भी क्लिक कर देना। आपको पता ही है किसी और सिटी में जाओ तो कितना सारा खर्च होता है, ट्रेन से लेकर टैक्सी, टैक्सी से लेकर होटल, होटल से लेकर फूड तक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और थैंक्स बटन पे भी क्लिक कर देना। आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलो अब अपडेट देखते हैं नागपुर का एक और। हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। नागपुर में आपका स्वागत है, और अगर नागपुर आओ तो एशिया के सबसे लंबे मल्टी लेयर वायाडक्ट को अगर नहीं देखो तो आपने कुछ नहीं देखा है। और आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूं। मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यही वो मल्टी लेयर वायाडक्ट जो कि इस जगह पर NHAI और महा मेट्रो के गठबंधन से बना है जी। और ये आपको उदाहरण देगा किस तरीके से सरकारी संस्थाएं जब आपस में काम करती है तो क्या कमाल का बनाती है, और वही कुछ आपको यहाँ पर नागपुर में देखने को मिलेगा। इस जगह पर NHAI और महा मेट्रो ने साथ में मिलकर काम किया, और जरा देखिए क्या कमाल का यहाँ पर एक मल्टी लेयर वायाडक्ट बनाया है। चलिए इस वायाडक्ट पे हम और आप ड्राइव करते हैं और जरा देखते हैं कि कितना खास है ये। इस देश का ही नहीं एशिया का सबसे लंबा मल्टी लेयर वायाडक्ट। जैसे नागपुर आए हो तो इस मेट्रो में ट्रेवल करना तो बनता है, क्या बोलते हो, है ना? चलो आज तो नहीं, कल ट्रेवल करूँगा। इससे पहले कि इसके ऊपर ड्राइव करते हैं पहले मैं बताता हूँ कि नीचे इसके क्या कुछ काम किया जा रहा है, क्योंकि ये फ्लाईओवर तो बनकर तैयार हो चुका है, मेट्रो की लाइन जैसा कि आपने देखा ऑलरेडी एक्टिव है, लेकिन नीचे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो रोड है उसको भी बनाया जा रहा है। राइट हैंड साइड में मेरे हैं एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे अंजनी मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर जाकर ये खत्म होगा। स्टार्ट हम और आप एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर रोड भी बनाया जा रहा है। इस तरफ का ये जो रोड देखोगे ना तो ये बनकर तैयार हो चुका है, पूरी तरीके से कंक्रीट का बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर जगह दी जा रही है वॉक करने के लिए हमारे आपके लिए, साइकिलिंग ट्रैक भी दिया जाएगा। और ये जो देख रहे हो ये है ड्रेनेज सिस्टम जी, ऊपर पूरी तरीके से फ्लाईओवर जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। गाड़ियाँ भी आपको दिखती है, मेट्रो भी दिखती है, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया है। नीचे भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। इस तरफ तो बन चुका है, अंजनी की तरफ जाओगे तो इस तरफ है अंजनी, तो यहाँ पर बन चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। ये देखो जब आप अंजनी से एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि नीचे लेन बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है कंक्रीट के मसाले की मदद से। एक ही पिलर पर यह पूरा बनाया गया है, एक पिलर दिखेगा जिसके ऊपर फ्लाईओवर है, और इसी एक पिलर के ऊपर आपको दिखेगा मेट्रो भी जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये इस देश का फ्यूचर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि ऐसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत इस देश में बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, क्योंकि एक ही स्पेस को यूटिलाइज करके आप दो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऐसा आपको अब आने वाले वक्त में बहुत सारा देखने को मिलेगा। इस जगह से स्टार्ट होता है ये फ्लाईओवर, और हम और आप फाइनली इस फ्लाईओवर पर एंटर कर चुके हैं। इस पे जो स्पीड लिमिट है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे का, और इसी फ्लाईओवर के ठीक ऊपर आपको देखेगा महा मेट्रो की लाइन यानी कि नागपुर मेट्रो की लाइन। और वैसे इस जगह पर ना नितिन गडकरी साहब की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, क्योंकि ये आइडिया उन्हीं का था कि एक ही स्पेस को यूटिलाइज किया जाए दोनों पर्पस के लिए, फ्लाईओवर और मेट्रो के लिए। अब जब ये बनकर तैयार हो चुका है तो आप अगर आप नागपुर में आते हो और खासकर एयरपोर्ट की तरफ से जब आप आगे की तरफ जाते हो अंजनी की तरफ तो आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होता, 5 से 10 मिनट में आप अपने सफर को तय कर सकते हो। लेकिन जब ये मल्टी लेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ पर नहीं था तो इसी सफर को तय करने में आपको तकरीबन 1 घंटे लगते थे। सोचिए नागपुर के लोगों का कितना सारा टाइम सेव हुआ है,
इस एक परियोजना के बनने से। बेशक इसकी लंबाई बहुत ही छोटी है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा है। और ऐसा नहीं है कि इतना ही किलोमीटर ये बनाने वाले, फेज टू जो इसका है उसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है और आने वाले वक्त में ये और भी लंबा हो जाएगा जी। और इसी वजह से ना जो नितिन गडकरी है ना, उन लोगों के इतने फेवरेट है, क्योंकि वो जो लोग हैं जो ट्रेवल करते हैं उनकी प्रॉब्लम को समझते हैं, और इसी वजह से इस देश में आप इतने सारे हाईवे और एक्सप्रेसवे देखने को मिलते हैं। जी हाँ, जो हमने और आपने सोचा है वो इन्होंने करके दिखाया है, या फिर अगर कहूं तो जो हमने और आपने इंटरनेट पे किसी और कंट्री में देखा है वो इन्होंने इस कंट्री में बनाकर दिखाया है। ये नागपुर है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूं पर मुझे क्रेडिट मिलता है। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारे मिनिस्ट्री ने 5 रिकॉर्ड बनाए और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये एक कंपटीशन होने चाहिए अच्छा से अच्छा काम करने की। और इसमें दीक्षित साहब को, अग्रवाल जी को और उनके टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। इसका क्रेडिट दीक्षित साहब को है क्योंकि नागपुर मेट्रो इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेट्रो इन द कंट्री, क्वालिटी वाइज और कॉस्ट वाइज। और इसी वजह से तो ये सबसे लोकप्रिय नेता है इस वक्त पे इस देश में, चाहे आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करो, लेकिन नितिन गडकरी साहब ने जो काम किया है उसको आप नकार नहीं सकते। और हाँ, ये जो नितिन गडकरी साहब है ना, इनके अपोजिशन वाले भी इनकी तारीफ करते हैं। तो काम करो तो कुछ ऐसा करो कि आपके अपोजिशन भी आपकी तारीफ करे, और वही किया है इन्होंने, माननीय नितिन गडकरी साहब ने। क्योंकि आज जो इस फ्लाईओवर पे मैंने ड्राइव किया ना, सच में मजा आ गया यार। चौक पे एक टैंक देखने को मिलेगा आपको, इसको देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ये टैंक बहुत ही खास है। जब हमने पाकिस्तान को हराया था तो ये टैंक लेकर आए थे और यहाँ पर बीच चौराहे पे इसको रखा है, ताकि मैं और आपको ये एहसास दिलाता है कि इस देश के सैनिकों ने बहुत बलिदान दिया है इस देश को बनाने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।